सवि, रजत और गोलमाल। फिर शुरू हुई नोकझोंक। रजत की परेशानी। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में रजत इन दिनों काफी परेशान है। एक तरफ है सवि जो उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, तो वहीं दूसरी तरफ सई जिसकी वजह से रजत परेशान है। असल में अर्श ने रजत के दिमाग में ये डाल दिया है कि सई उसकी और आशिका की बेटी है, जिस वजह से रजत इन दिनों काफी परेशान है। ऐसे में देखिए कैसे वो जब हॉल में पहुंचता है तब सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी रजत की पीठ पर एक ऐसी चीज होती है जिससे सवि हो जाती है परेशान। और देखिए कैसे पूरा परिवार उड़ा रहा है रजत और सवि का मजाक। क्या बात है भाई, रात तुम्हें सोने नहीं देती, मतलब ऐसा भी क्या करती है भाभी? हाँ क्या है भाई, ये क्या है? अब आप दोनों जो भी करते हो रात में उसका डेमो हमें क्यों दे रहे हो? क्यों बाबा? हाँ भाभी, आप तो रात भर मेरे सोने नहीं देते। ना बोला अंदर जाने मन और बाहर जाने मन। शट अप, बड़ी ऐसी आई तुम लोगों? हाँ बता, चल रहा है यहाँ पर पूरी दिन कॉलेज जा रही है, सीरी पढ़ाई करके या फैशन यहाँ हंसने के लिए तुम लोगों के पास टाइम है? हुआ ये कि मैंने रात जो है वो वॉशरूम में बिताई है, क्योंकि सभी मुझे सही से सोने नहीं देती और मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। और उसके बाद जब हॉल में आता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या फ़नी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि वही उसका थ्रिल है, वही उसका सस्पेंस है। जो आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पूरी फैमिली को किस तरह से रजत डांटता है और जो उसकी बैक ऑफ माइंड एक टेंशन चल रही है वो क्या है, क्योंकि सई की कस्टडी तो आ गई है, सई घर में वापस भी आ गई है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये बात अर्श ने उसके दिमाग में डाली है कि सई उसकी बेटी नहीं है, तो वो उसकी टेंशन उसके दिमाग में चल रही है और उसी के अराउंड पूरा ड्रामा इवॉल्व हो रहा है। सो दैट्स इट। बहन खुशी के पलों पर जल्द ही ब्रेक लग जाता है। असल में रेडी शेडी होकर रजत पहुंच गया है सई के स्कूल उसे पिक करने के लिए। ऐसे में सभी भी आज खुश है कि रजत अपनी बेटी को पिक करने गया है, लेकिन यहाँ भी हो जाती है गड़बड़, क्योंकि रजत सई की जगह उसकी फ्रेंड को घर ले आता है, जिसके बाद सभी उस पर भड़क जाती है। आपको अंदाजा भी है इस वक्त इसकी पेरेंट्स इतनी ज्यादा परेशान हो रही होंगी, और हमारी सही वहाँ अकेले स्कूल में इतनी घबरा रही होगी, इतनी डर रही होगी। आपकी फ्रेंड को ले आए घर पे, आपको नहीं लेकर आए? हाँ, मुझे मेरी ईरा को लेकर आकर घर पे, मुझे नहीं लेकर आए, फिर परी आंटी लेकर आई घर पे मुझे। परी आंटी नहीं लेकर आई, इसके पापा जो है वो फोन में इतने बिजी होते हैं तो वो सई की फ्रेंड को ले आते हैं घर पे और रियलाइज भी नहीं करते हैं, घर तक आ जाती है वो, और फिर हमें पता चलता है कि जब हम वापस बच्ची को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ने जाते हैं तो बीच में हमें दिख जाते हैं अर्श। अर्श जो है वो सई को वापस घर पर ले आते हैं, है ना? अर्श पापा जो है ना वो आपको ले आते हैं ना, अर्श अंकल? हाँ। असल में रजत की परेशानी अर्श है, जो उससे बार बार टकराता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि सई उसकी बेटी है, जिस वजह से रजत
होशो हवास में ही नहीं है। ऐसे में देखी वो घर वालों से भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहा है, जिस पर रजत के पापा लेते हैं फैसला कि घर में कोई भी रजत से बात तक नहीं करेगा। क्या रजत के पापा अगर जन्माष्टमी का अन्नदान करना था तो पहले बता देते, खाना उस हिसाब से बना लेते। रजत का खाना बाकी है कभी ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रजत को खाना नहीं मिलेगा, उसको खाना नहीं खाएगा, उसे हमारी कदर नहीं है, तो ये परिवार भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेगा। ना तो उसे हमारी कदर है ना फिक्र है, तो हम क्यों करें उसकी कदर फिक्र? कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि आज से नहीं अभी से, ये परिवार रजत से कोई वास्ता नहीं रखेगा। ये काम मैं उसे सुधारने के लिए कर रहा हूँ, कान खोल कर सुन लो सब। अगर उसे भूख लगेगी तो अपना खाना बना के खा लेगा, कोई भी उसका काम नहीं करेगा, उसे जो भी काम करना होगा खुद करेगा। अरे जब उसे हमारी फिक्र नहीं है तो हम क्यों उसकी फिक्र करें? एक उसका घर नहीं है, ये हम सबका है, सब है इसके मालिक। सही के साथ वो कैसा बर्ताव कर रहा है, और सही को छोड़ो हम लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसा है, ना तो हमारी फिक्र करता है ना इज्जत करता है। नहीं नहीं, मतलब स्टैंड तो क्या, मैंने तो पहले भी उससे 5-6 साल बात नहीं की थी, तो वो एक सीन गया था जिसमें मैं बोलता हूँ भाई तेरे से मैंने 5 साल बात नहीं की है ना, क्योंकि तेरा बिहेवियर ऐसा था और तूने खुद ही बोला था आप निकल जाइए, और अब मैंने उससे बात शुरू की है ना, लेकिन फिर उसने सभी को की कस्टडी पाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जैसे ही उसकी कस्टडी उसको वापस मिली उसका बिहेवियर अचानक चेंज हो गया, हमारे लिए भी और सही के लिए भी, है ना। वो सही को उसने जब अवार्ड मिल रहा था सभी को, तो वहाँ पे ऑडिटोरियम में उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आया, ना तो घर में वो ढंग से बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने भी कहा कि भाई ठीक है जैसे को तैसा, तो मतलब अगर वो इतना वो दिखा रहा है अपने आप में कि हाँ मैं ऐसा हूँ, और मतलब बात बात पे चिल्ला रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो हमने कहा ठीक है उसका बायकॉट कर दो, वो अपना खाना खुद बनाएगा, अपना काम खुद करेगा। रजत के इस बिहेवियर से सई काफी डरी हुई है, रात में उसे नींद नहीं आ रही, तभी तो देखी कैसे वो डर के मारे बेड के नीचे छुप गई है। ऐसे में फिर एक बार सभी बनती है सई का सहारा और वो उसे समझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं भी सैड हूँ। आप क्यों सैड हो? मुझे डर लग रहा है। अब मैंने ना आपकी सारी सैडनेस सारा डर ना मैजिक से एकदम भगा दिया, अब तो आप ठीक हो ना? ठीक लग रहा है अभी? थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, काम करो बाहर आओ, मुझे आपसे बात एक बात बोलिए बाहर आओ। आपको कभी भी मुझसे दुख नहीं करेंगे, आपको मुझ पर भरोसा है ना? इंटरेस्ट होता है मेरे साथ शूट करने में? हाँ हाँ, मुझे और किसी के साथ शूट करना मजा नहीं आता। ओ, मेरे गुगुडू। सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आता? सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आता है पूछ रहे हैं? सबके दादा आपके साथ मजा आता है, पापा के साथ भी नहीं आता, मुझे सिर्फ आपके साथ आता। आई लव यू। आई लव यू टू। भाई अब जब घर वालों को पता चलेगा कि रजत किस वजह से परेशान है, तब शायद उसे घर वाले समझ पाए। अब देखना होगा कि ये सच कब और कैसे सामने आता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।